मुजाहिद भारतीय डिजियाना में आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की। आज धूमधाम से हुई घट स्थापना। नवदुर्गा महोत्सव के पहले दिन आज माता की स्थापना हुई। जगह जगह लग रही झांकियों में आज माँ की स्थापना हुई। हालांकि कल रात से लगातार हो रही बारिश के बाद झांकियों में थोड़ी रौनक तो कम हुई है, लेकिन भक्तों का जोश अपनी जगह कायम। डॉक्टर की तानाशाही के चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन युधिष्ठिर सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ अभद्रता की एवं उन्हें धमकी दी। मामला दरअसल यह है कि फतेहगढ़ की एक महिला जो विगत 24 घंटों से अस्पताल में भर्ती थी, उसके पति का कहना है कि उसे देखने विगत 24 घंटों से कोई डॉक्टर अस्पताल में नहीं आया। इसकी सूचना मिलने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जब इस संबंध में डॉक्टर से बात की तो सिविल सर्जन उन पर बरस पड़े एवं उनके साथ अभद्रता की। इसी संबंध में आज आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिला एवं उक्त सिविल सर्जन के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। अस्पताल मुर्दाबाद, दोनों भाइयों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दोनों भाइयों की दादागिरी अस्पताल में नहीं चलेगी। साहब एक बार एक डेढ़ साल पहले भी गए थे। निश्चित रूप से जो सर्जन साहब है बहुत ही घमंडी और इतना ज्यादा इनमें हिटलर शाही भरी हुई है कि वो उन्होंने जो इनने कहा है श्री रघुवंशी जी ने, उसी तरह हम लोगों से भी कहा था। एक डेढ़ घंटे हमारी बहस हुई और उन्होंने ये कहा था, चेतावनी देकर कि आप लोग यहाँ जांच करने मत आइए, आप लोग कुछ नहीं हो, कलेक्टर साहब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी नहीं बिगाड़ सकते, मैं इतने बड़ा दादा और ताकतवर। तो ऐसी परिस्थितियों से जब इनका दो चार है तो उनको गुंडा बन जाना चाहिए, क्यों गुंडा नहीं बनते और आगे राजनीति भी करना चाहिए, नौकरी क्यों कर रहे हैं भाई? छोटे थोड़े बहुत पैसे लेके अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी तरह से काम करें, जनता की सेवा करें। एक डॉक्टर होने के नाते मैं भी डॉक्टर हूँ, मानवता के नाते मनुष्य के साथ कैसे पेश आता, मरीज के साथ कैसे उसके साथ मानवता और न्याय से काम करना पड़ता है। भगवान होता है डॉक्टर, ये तो शैतान की तरह काम करता है। इस डॉक्टर को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और इसको इसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। फतेहगढ़ से आए हुए, इनको जिला अस्पताल में कुछ भी पता नहीं है। इनकी पत्नी 24 घंटे से अस्पताल में भर्ती थी। इनकी पत्नी को खून की कमी है, खून की कमी के कारण इन्होंने खून के लिए व्हाट्सएप पर ही भेजा और वैसे पर्सनल मुझे ही बुलाया, तो मैं खून की व्यवस्था कराने एक्सरे कराने के लिए गया था। लेकिन उसके पहले हमने सोचा कि पहले डॉक्टर से बात कर ली जाए, तो 24 घंटा में कोई डॉक्टर नहीं आया। फिर हम सिविल सर्जन युधिष्ठिर सिंह के यहाँ गए। युधिष्ठिर सिंह हमारी टोपी देख के एकदम से आवेश में होता है, तू इनको लेके आया, ये तेरी मदद करेंगे, ये क्या करेंगे, ये अपनी राजनीति, इन कुत्तों की वजह से तो तेरा काम नहीं होगा। तू आता मेरे पास, झुक के आता, प्रणाम करता, कुछ ऐसा करता, जब मैं तेरे मदद करता, मैं बहुतों की मदद करता हूँ। तो इस तरह से हमारा, हमारे कार्यकर्ताओं का और हमारी इनकी पत्नी का अपमान करा और इलाज नहीं हुआ। उसके खिलाफ में माँ बहन की गालियाँ दी, कुत्ते शब्द बोला और अपमान किया। उस संदर्भ में हम मान सम्मान की खातिर और इनके इलाज के लिए आज एक ज्ञापन दिया है। आगे आगामी यदि एक दो दिन में सुनवाई नहीं हुई, जन सुनवाई में आवेदन देंगे और सुनवाई नहीं हुई तो हम अस्पताल के आगे धरना पर बैठेंगे। हो सकता है वो डॉक्टर नहीं डॉन है, हमें जान से मरवा दे, गाली गलौच करवा दे, तोड़ फोड़ करा दे, तो हमेशा वो कई बार धमकी दे चुका है। साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक सभी छात्र छात्राओं को गुलाबी गोली खिलाने एवं एनीमिया को उनसे दूर रखने के लिए आज नोडल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर स्थानीय रेड क्रॉस भवन में जिला शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें सभी शासकीय प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को यहाँ कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। थैंक यू, धन्यवाद।
पीपी कार्यक्रम के अंतर्गत नोडल टीचर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। इसके अंतर्गत स्कूली बच्चों को हर हफ्ते आयरन गोली खिलाई जाएगी। प्राइमरी स्कूल में आयरन की पिंक गोली जो हफ्ते में एक बार दी जाएगी तथा प्राइमरी मिडिल स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल के सारे बच्चों को नीली गोली आयरन की हर हफ्ते दी जाएगी, जिससे कि बच्चों में हो रहे एनीमिया की कमी को दूर किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एकीकृत बाल विकास सेवा जिला गुना के तत्वावधान में आज पोषण जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2017 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें उपस्थित जनों के समक्ष बच्चों के पोषण संबंधी एवं खान पान में पौष्टिक आहार संबंधी कई महत्वपूर्ण जानकारियां रखी गई। के द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही में आज 5 ऑटो रिक्शा चालकों पर चालानी कार्यवाही की गई। गौरतलब है कि एक लंबे समय से स्कूली बच्चों को लाने एवं ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा चालकों पर अनियमितताओं का आरोप लगते आ रहे हैं। क्षमता से कई गुना ज्यादा बच्चे ऑटो में भरते हैं एवं सारे कायदे कानूनों को ताक पर रख देते हैं। इसी के चलते आज इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। साहब और पुलिस के द्वारा कंबाइन कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हो, ये जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, जो ओवरलोडिंग रहते हैं, जो पटरी लगा लगा के रुकाते हैं, उनके लिए कार्रवाई की गई है। तो आज इसके लिए जॉइंट कार्रवाई आज करीबन 5 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज जिला कलेक्टर राजेश जैन से मिला। यह उन्होंने कलेक्टर से मिलकर उन्हीं के एक साथी नरेंद्र भदौरिया पर कार्रवाई की मांग की है। यह कार्रवाई की मांग उन्होंने नरेंद्र भदौरिया द्वारा किए जा रहे लगातार पार्टी पर हमलों के चलते की है। गौरतलब है कि नरेंद्र भदौरिया पिछले कुछ दिनों से कई तरह के विवादास्पद मामलों में चर्चित रहे हैं, जिसका जिक्र खुद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही सदस्य मनोहर बिरोड़ा ने डीजीएनआर के कैमरे के सामने किया। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय कलेक्टर महोदय से मिला है। तो नरेंद्र सिंह भदौरिया है, लगातार हमारे पार्टी के कुछ लोगों को बदनाम करने के लिए और पार्टी को बदनाम करने के लिए ये लगातार पेपरबाजी कर रहे हैं और झूठी शिकायतें कर रहे हैं। इसके पहले भी नरेंद्र सिंह भदौरिया बंधुआ मुक्ति मोर्चे को लेकर के जो जिले के अंदर एक दो वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष खड़ा किया, इसके बाद में इनका जो पिछला रिकॉर्ड है एमपीवी में रहते हुए इनको 3 बार सेवा से पृथक कर दिया गया। अभी कुछ दिन पहले इनके घर पे चोरी का माल जब्त हुआ, इनका ड्राइवर और इनका एक कर्मचारी मनीराम जाटव जो चोरी के मामले में पकड़े हुए, और अभी कुछ दिन पहले ही एक अन्य मामले में भी इनको एक लड़की के साथ औरत के साथ पकड़े गए ये मैहर जाते समय। इस प्रकार का जो कुकर्मी आदमी है और जो अपने आप को पाक साफ बता करके दूसरे लोगों के ऊपर और जिस प्रकार से ये आरोप लगाते हैं, इसको लेकर के आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माननीय कलेक्टर महोदय से मिलकर के उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमने मांग की है। इसमें इनकी बहुत सारी जो आचरणहीनता के चलते, अनुशासनहीनता के चलते भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको 9/10/3/2017 को पार्टी से स्थायी रूप से निष्कासित कर दिया है। इनको तब से ये लगातार हमारे पार्टी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इसको लेकर हमने आज कलेक्टर महोदय को स्थानीय कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का आज 3रा एवं अंतिम दिन रहा। आज यहां विभिन्न प्रतियोगिताएं संपन्न हुई एवं विगत दिनों हुई प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को यहां आज प्रमाणित किया गया। साथ ही जिला स्तरीय युवा उत्सव की एक कार्यकर्ता ने इस संबंध में पूर्ण जानकारियां डीजीएनआर न्यूज को उपलब्ध कराई।
उत्सव का तीसरा दिन था। आज हमने प्रातः 10 बजे से कार्टूनिंग की विधा संपन्न की और साथ ही कल जो पोस्टर पेंटिंग क्ले मॉडलिंग हुई थी उन सभी का निर्णय किया गया। शहर के पेंटिंग विशेषज्ञ श्री मुबारक अली जी, अजमत खान और श्रीमती नीता जैन के द्वारा उनके निर्णय किए गए। उसके तुरंत बाद ही हमारे यहाँ कार्टूनिंग के तुरंत बाद ही प्रश्न मंच का आयोजन किया गया। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राध्यापक श्री राजेंद्र कुमार विजयवर्गीय के द्वारा जिला स्त्री प्रश्न मंच विधा बहुत अच्छे गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न की गई। उसके बाद में वाद विवाद की प्रतियोगिता हुई, उसके बाद में वक्तृता की प्रतियोगिता हुई है, इसके बाद में अभी जो चल रही थी मिमिक्री की प्रतियोगिता हुई, अभी माइम की प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, इसके बाद में दो प्रतियोगिताएं और शेष है स्किट और नाटक। ये प्रतियोगिताएं अभी संपन्न की जाएंगी और उसके बाद में सभी जो तीन दिन में जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं उन सबका निर्णय सुनाया जाएगा। लेकिन प्रश्न मंच एक ऐसी विधा है जो तुरंत स्थान पर ही उसका निर्णय स्वयं हो जाता है और उसमें चांचौड़ा बीनागंज बालक महाविद्यालय का दल चयनित हुआ है संभाग स्तर पर अपना प्रदर्शन करने के लिए। स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में आज जिला स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के चयनित छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर अपनी प्रस्तुतियां दी जिनमें किशोरावस्था से संबंधित कई विषय मौजूद रहे। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय गुना में जिला स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस रोल प्ले प्रतियोगिता में विभिन्न संस्थाओं से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी निम्नलिखित विषयों पर अपनी प्रस्तुति देंगे। विषय हैं किशोर एवं किशोरियों के मध्य स्वस्थ व्यवहार, किशोरावस्था के आकर्षण और चुनौतियाँ, HIV एड्स एवं स्टिग्माइजेशन यानी कलंक, नशाखोरी के कारण और परिणाम, इन विषयों पर इनको जो है अपनी प्रस्तुति देना है। इसके पहले इन्होंने अपने शाला स्तर पर अपनी प्रस्तुति दी है, वहाँ से चयनित होकर के इन शालाओं के प्रतिभागी जो है आज हमारे यहाँ जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम जिला शिक्षा अधिकारी और डाइट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। सोनी कॉलोनी में बहेगी ज्ञान की गंगा। आज यहाँ शुरू होने जा रही है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, जिसके पहले दिन आज यहाँ एक शोभा यात्रा निकाली गई जो कि स्थानीय जयस्तंभ चौराहे से शुरू होकर सोनी कॉलोनी स्थित कथा स्थल पर जाकर संपन्न हुई। आपको बता दें कि यह कथा आज से शुरू होकर आगामी 29 सितंबर तक चलेगी, जिसका वाचन पंडित श्री अरविंद जी महाराज आगरा वालों के मुखारविंद से संपन्न होगा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से इस सभा में उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित करने की अपील की। तीनों लोग धन्य हैं।
लीजिए ना, मैं आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।